बात हो रही थी सियासत बिल्कुल, बिल्कुल। वहां चले गए हमने वहां दिन रात काम किया और यूथ को जब मैंने आवाज दी तो ढेर ढेर सारे लोग आ गए तो वो हमने जलसले में काफी खिदमत की और यूथ की वो देख के ना बल्ज उसमें ख्याल आया यूथ पार्लियामेंट बनाने का जी बिल्कुल विजन वॉज टू एम्पावर इन सोसाइटी करना क्या है डिसाइडेड टू मेक अ पार्टी ऑफ पाकिस्तान सत्ताईस अक्टूबर को हमने रैली की कॉल दे दी तीस अक्टूबर को खान साहब का रैली थी वो <laughs> पहला जलसा जो बहुत बड़ा लो जी सत्ताईस अक्टूबर हमारा भी बड़ा जबरदस्त रहा लेकिन खान साहब का जो था वो तो मुझे लगा लोगों ने तो जब उनकी बातें मैंने पहली बार सुनी मैंने कहा सारी वही बातें हैं जो

खान साहब का डिसीजन है उनसे सवाल होना चाहिए ये तो <laughs> नहीं लेकिन यकीन वो भी बड़ा एक्टिव है और ठीक है उस जॉब के लिए मैं भी अगर उसको करता तो शायद बुरी ना करता तो अप्रिशिएट कि जिस तरह से वो काम कर रहा होता है अब हर बंदे को हर जिम्मेदारी नहीं मिल सकती पार्टी में मुझे उन्होंने एक ऐसा शोभा दे दिया रेड क्रेसेंट तो इस तरह की जो मेरे तजुर्बे में चीज़ें हैं मैं समझता हूँ वो मैं तो दे अच्छी बात है। हमारी के मुताबिक गाना सुपर हिट हो गया और सुपर गायकी में भी हैं और गाना भी आपका है, इस किस्म का हिट हुआ है तकरीबन तो आप सही कह रहे हैं, हाँ। रहे हैं। मेरा इंटरव्यू भी था जो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था वो सबको निकालते जा रहे थे जब बैंक गया मुझे भी निकाल देना तो

शो बिजनेस हुआ तो फिर वेरी ऑफर्स दुनिया को देखने का मौका आ, घर वालों ने कहा था तुम तो छः महीने तक कर लो आ, उसके बाद फिर वो ही सी एस एस था तो छः महीने में पढ़ाऊंगा तो फिर ये आ, फिर उन्होंने मुझे खुद से कहा कि भाई आप क्या कर रहे हैं आप जाहिर है मैं छुट्टी लेके जाता था उन्होंने कहा बहुत सारी छुट्टियां हो गई आपकी मैंने कहा ऐसा हो सकता की आप मुझे कुछ अर्से के लिए छुट्टी दे सकता अभी तो आपको आए हुए साल सवा साल डेढ़ साल और अगर देंगे भी तो पूरी छुट्टी देंगे। हाँ। हाँ। मैंने फिर जैसे आपकी मर्जी है इजाजत ले ली फिर मैंने मुझे लोग फौज में है वाई नाट फौज यू मैं जाना चाहता था हमेशा हाँ। मैं बड़ा पसंद भी करता था और करता हूँ भी आज भी मेरे ख्याल में वर्दी आप पे जचनी भी बहुत अच्छी अच्छे भी लगते घर जाते फिर मैं जिक्र ना करता और <laughs> वर्दी में भी ना जाता <laughs> तो लेकिन ये कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी लेकिन डेस्टिनी अल्लाह ताला ने जो आप yes. लिखा होता है वो मुझे याद है कि मैं उन दिनों में ये बहुत ज्यादा पढ़ रहा था कि वो नसर मिन अल्लाह व फा करीब आँ. तो अल्लाह ताला ने मेरे लिए जो बेहतर रखा था आज आँ. मैं कभी सोचता हूँ मैंने तो नहीं सोचा था कभी हस्पताल फिर मेडिकल कॉलेज फिर अब कैंसर हॉस्पिटल इज अप एंड रनिंग वो अरबों रुपए के मंसूबे हैं जो हर साल अरब रुपया जनरेट कर रहे होते हैं और हर साल एक नया मंसूबा ऐड करना शुरू हो गया पांच साल के बाद जैसे मैंने कहा था एग्जैक्टली exactly वैसे हुआ है कि पांच साल मेडिकल कॉलेज इस चीज का ख्याल कैसे आया सर सर वालदा दुनिया से चली गई थी ओ 96 सिक्स में वो फिर आ, उन मेरे जहन में मैं डिप्रेस रहा बहुत अरसा एनजाइटी और अजीब मुझे याद है मैं शो कर रहा होता था और पब्लिक नाच रही होती थी अब ये वो बिल्लो दे घर के नए नए दिन चल रहे हैं और मुझे अम्मी याद आ रही होती तो है मैं कहता था ये क्या है मेरी लाइफ तो कोई मीनिंग नहीं है इसका तो फिर अल्लाह ने जहन में डाला हॉस्पिटल का इमरान खान ने बनाया था अपनी अम्मी के नाम पर मैं क्यों नहीं बना सकता लोगों ने बड़ा मजाक उजाक उड़ाया मैंने बड़े भाई से बात की मेजर हक साहब उन्होंने कहा अल्लाह बनाएगा हम कोशिश करते तो उनका एक बहुत बड़ा किरदार इसमें रहा है अलहमद ला आज अठारह साल से हॉस्पिटल चल रहा है छः मिलियन लोगों को मुफ्त ट्रीटमेंट अरे माँ मा के हवाले से एक आपने गीत भी गालिबन लिखा वो चार बोल उसके सुना दे क्यों नहीं तेरे ए दुख देख दिलदा तस मैं किनू कहा चेत ओणो हट दीना ਮਾਂ ਤੂੰ ਯਾਦ ਆਉਣਾ ਛੱਡਦੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੈਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਮਾਏ ਜਾਵੇ ਪੁੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਲਾਏ ਮੇਰੀ ਦੌਲਤ ਇੱਜ਼ਤ ਸ਼ੌਹਰਤ सब कुछ तेरे नाम नू याद हट दी जी वा, वाह वा। वा वेलकम बैक टू जी सरकार जी सामेजी क्या कहते हैं हमारे सितारे के सितारे माशाल्लाह पॉलिटिक्स में भी एक नाम बनाया कॉज लेके चले इन स्पाइट ऑफ दैट कि यहाँ पे जो नजर आता है कि रवैये बिल्कुल गैर सियासी हैं वैसे अल्लाह ने इतना नवाजा हुआ इनको सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते तो इनकी माशाल्लाह बचपन से ये एक हाईली इमेजिनेटिव बच्चा इनको होना चाहिए जो बड़े बड़े ड्रीम्स देखते हैं लेकिन हाँ लेकिन जो प्यारी बात है कि उन ड्रीम्स को हासिल करने की इन्होंने कोशिश गिव नहीं की और आज माशाल्लाह जिस जगह पे हैं कि लोग इन्हें आइडियलाइज करते होंगे और इनके जायचे की पहली वार्निंग है कि अपनी हेल्थ को संभालें जान है तो जहान है सब कुछ मिल जाता है। वेल्थ को छोड़े हेल्थ पे नजर रखे मेहरबान रहेगी खाना प्यारा रहेगी वो इन अल्लाह तेहरबानियां रहा करेंगी माशाल्लाह बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड होम लविंग घर को कोजी बनाना ये अपने घर को बहुत इंजॉय साहब घर कैसे वक्त देते हैं कितना वक्त देते हैं जब भी मुझे वक्त मिलता है, है आय बिल्कुल सही बात है ये मेरे बहन भाई भी मुझे कभी कभी यही कहा करते हैं तुम बाप हो कि माँ हो तुम फल तो मेरी फीलिंग्स वैसे वैसे मुझे कभी कभी ऐसा ही लगता है कि माँ जैसी भी हैं मतलब मैं कुछ ज़्यादा कहूँगा तो बेगम नाराज भी हो सकती है